अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई शाहनवाज आलम फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग कुछ ऐसे सवालात पे बात करेंगे जो बहुत आम है, लोग उसके बारे में बताते हैं, ये ना करें, वो ना करें, ये गुनाह है, ये नहुसत है, ये मना है। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अलिया मदनी साहब, तो आइए इनसे जानते हैं इन सवालात के बारे में कि क्या है। शायद बहुत आम सा सवाल है, लोगों से सुनने के लिए मिलता है। जैसे कि जो मेरे पास पहला सवाल आया हुआ है जी, लोग कहते हैं कि किबले की तरफ पैर करके ना बैठे। मिसाल की तरफ कि ये किबला है, मिसाल जी, इस तरफ अगर पैर करके बैठे तो लोग कहते हैं ना बैठे, ये उसके शान में गुस्ताखी है, गुनाह है, बहुत तरह की बात कहते हैं। तो क्या ऐसी कोई बात आती है इस्लाम में या हदीस में? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम अहबाब व नाज़रीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि छोटी छोटी क्लिप बना करके अल्हम्दुलिल्लाह आप तक पहुँचा रहे हैं। ये दीन की एक तबलीग का एक जरिया है और सोशल मीडिया हमारे लिए यही ये इस का मुसबत ये है कि उससे हम इस तरह के फायदे और इस तरह से छोटी छोटी क्लिप बनाकर लोगों तक दीन और दावत की बात, दावत दीन की बात उन तक पहुंचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो ये सवाल है ये बड़ा अहम है जो माशरे के अंदर उमूमी तौर पर हर घराने में और हमाशुमा हर अफराद के बीच इस तरह की चीजें, कुछ अहले इल्म के बीच भी इस तरह की चीजें मतलब देखने को या सुनने को मिलती है। तो सबसे पहला सवाल जो भाई शाहनवाज साहब किए हैं क़िबला रुख के ताल्लुक से कि उसके तरफ पैर करना ये कैसा है, क्या ये उसकी बेअदबी है? तो इस ताल्लुक से सबसे पहली चीज ये है कि क़िबला रुख ये शायर अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक निशानी में से है, ठीक है, और उसकी ताजीम और तौकीर ये हमारे ईमान का जुज है, बिल्कुल ईमान का हिस्सा है। जैसा कि सूरह हज की वो आयत है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये बड़ी बड़ी जो निशानियां हैं जो हमारे लिए, यहाँ पर दरअसल मुफस्सरीन के कई अकवाल हैं। कुर्बानी अय्याम हज चूंकि सूरह हज ही की आयत है और उसी मुनासिबत से ये तमाम चीजें हैं कि जहां पर नस है, नस कहते हैं कोई कुरान की आयत हो या अहादीस मौजूद हो वहां पर, तो अहादीस क़िबले रुख के ताल्लुक से और उसके अदब और तौकीर के ताल्लुक से उसके अंदर ये चीज आती है कि क़िबला रुख थूकने अच्छा से मना किया, मना किया और इस ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान भी मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन ऐसी कोई रिवायत या ऐसा कोई अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कि क़िबला रुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैर करने से मना किया। एक छोटी सी मिसाल मैं देकर के बतलाना चाहूंगा, चे जाए कि उमूमी तौर पर आज लोग उस उधर ये कर ले तो उससे बड़ी बेअदबी तो मैं वो समझता हूँ कि जिस दिन खाने काबा का गिलाफ चेंज होता है, हाँ, वहां तो एक नहीं बल्कि पचासों आदमी ऊपर चढ़ते हाँ, हैं, उस पर बैठते हैं, बैठने की जरूरत पड़ती है, तो इससे उससे कहीं ज्यादा वो खिलाफी ये काम है। हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं है शरीयत के अंदर। आप वहां पर देखेंगे खाने काबा के अंदर, वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं अपना तिलावत करते करते थक जा रहे हैं या अजगार करते करते थक गए तो थोड़ा सा टेक लगा करके पांव फैला लिया, कोई बेअदबी नहीं है इसमें। ये अपने तरफ समझ रहे मैं आदिम शायर अल्लाह फैना, ये दिल की ये की बात है, उसका एहतराम हमारे ये में बिल्कुल है। अब उसकी एक मिसाल ये ले लीजिए, अब नीचे के कमरे में अगर कुरान हो तो क्या ऊपर मंजिल पे आप नहीं चढ़ेंगे? तो इसको क्या आप मुनाफी मानेंगे कि ये कुरान की बेअदबी है? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे, सही बात है, बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा एक और ये भी सवाल लोग सुनने को मिलता है, बड़ा आम सा सवाल है जी, कि आप तो सवाल ही है कि मगरिब के वक्त झाड़ू घर में ना लगाया जाए, जब घर की बरकत चली जाती है जी, तो ये भी एक बहुत आम सा सवाल लोगों से सुनने के लिए मिलता है जी। नाजरीन मैं इस ताल्लुक से बताना चाहूंगा कि ये दरअसल आज के जो भी सवालात आ रहे हैं वो उसको शरीयत इस्लामिया में तवहुम परस्ती कहा गया है और ये बदअकीदगी है इस सब तरह के अकायद रखना। और जैसे इस तरह की चीजें हैं और भी इस बहुत सारी चीजें आप देखेंगे तो छोटी सी क्लिप में वो तमाम चीजों का इहाता नहीं किया जा सकता है जो राइज आज हम लोगों के माबेन बहुत सारी चीजें हैं। और वो चीजें जो आज उमूमी तौर पर हम और आप अपने घरों के अंदर या अपने खवातीन के अंदर उन तमाम चीजों को देखते हैं कि वो धड़ल्ले से उन चीजों का ये करती है और एक दूसरे को कहती भी है और उस पर खुद भी ऐसा लगता है कि उसका अकीदे से जुड़ा हुआ ये चीज है। इस ताल्लुक से मैं ये कह दूं कि शरीयत इस्लामिया में वहम तवहम परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं मौजूद। एक है अवामिर, एक है नवाही।
बस हमारे लिए वही ये चीज है। अवामिर क्या है, नवाही क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चीज का हुक्म दिया हमको मान लेना है। नवाही क्या है, इस चीज से रोका है, रुक जाना है। अपने तरफ से ये वहम परस्ती कैसे आई? आज हम और आप यहाँ बिरादरान वतन के साथ रहते हैं, ये अकायद तो उनके यहाँ है, गैरों का है ये कि नामौलूद बच्चे को जैसे नजर बद से बचाने के लिए बीच में काजल लगा देना या इस तरह से आंख फड़फड़ाना तो उससे बरकत का जाना और हाँ ये तमाम चीजें, तो ये गैरों के अंदर ये चीज पाई जाती है। तो ये चीज आई कैसे? तो ये हमारा बिरादरान वतन के साथ बैठना उठना और इब्तिदा जो इसकी हुई है बिल्कुल इसी तरह से दाखिल हुआ है एक दूसरे से सुनते, लेकिन शरीयत इस्लामिया के अंदर इसकी कोई इजाजत है ही नहीं तवहम परस्ती की। ये देखिए झाड़ू एक शरीयत इस्लामिया का एक हुक्म है, अब तहारा तो शत्रु ईमान कहा गया, निस्फ ईमान है और उसका किसी वक्त से ताल्लुक ये कर लेना। हाँ अगर वहां पर नस मौजूद होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, सहाबा के जमाने से या कहीं से कोई एक नस मिलती हदीस की शक्ल में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबा का ये अमल की शक्ल में मिलता तो वहां पर ये कहा जा सकता था कि भाई यहाँ पर ऐसा हुआ, लेकिन ऐसी कोई चीज ही नहीं मिलती है और ये नजाफत का मामला है जो हमारे ईमान का हिस्सा है, वो कभी भी किया जा सकता है। शाम का वक्त हो, रात का वक्त हो, किसी भी जब जरूरत आप महसूस करें उसको करें। बहुत सारे लोग ये ऐसे भी हैं जो हम लोग भी गांव देहात में औरतों से सुने हुए हैं कि अगर सूरज निकल आए और आंगन के अंदर झाड़ू नहीं लगी हो और उस घर के अंदर बहू मौजूद है तो ये कौन सी मतलब ये हो गई, यानी उसका अकीदा ये है, वहां ये कहना चाह रही है कि जिस घर के अंदर बहू मौजूद हो सूरज नांग जाए आंगन को, अच्छा समझ रहे तो ना लगी, ना लगी, ना लगी। ये तो एक और मसला, सुबह उठने का ही मसला, सुबह उठने का मसला तो वहां पर सुबह का मसला ये है कि ये कैसी बात है कि जिस घर के अंदर बहू मौजूद हो और सूरज नांग जाए या मतलब सूरज निकल करके आपके आंगन से और उसका साया आगे को चला जाए, तो इस सब तरह के भी तवहमात और इस तरह के बातिल अफकार और ख्यालात लोगों की नजरों में और लोगों के जहनों में पाए जाते हैं जिसका जिसका शरीयत इस्लामिया से कोई ताल्लुक नहीं। तो चलिए मगरिब को झाड़ू लगाया जा सकता है। तीसरा एक और सवाल है ये कि ये भी बहुत आम सवाल है कि लोग कहते हैं घर में अमूमन स्लीपर हम लोग पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, वो उतारने उतारने में कभी उल्टा भी हो जाता है, उल्टा हो गया उसका से। हाँ। तो लोग कहते हैं उल्टा नहीं होना चाहिए, ये नहुसत है या इससे मतलब कि आसमान की तरफ चप्पल है तो ये ऐसा बहुत गुनाह है, इस तरह का मामला, तो क्या ये स्लीपर का उल्टा होना या उल्टा हो गया तो उसको सीधा लोग करवाते हैं कि रुक जीजिए पहले तो सीधा कीजिए, इसके ताल्लुक बता सकते क्या वाकई ये नहुसत है, ये गुनाह है? नहीं देखिए इससे इससे पहले के सवाल जो आपके किए हैं वो तवहम परस्ती जैसे कहा तो ये तमाम उसी ये में से है कि चप्पल का उल्टा हो जाना, समझ रहे हैं, तो चप्पल का उल्टा हो जाना उमूमी तौर पर रखने में कभी बद एहतियाती में या कुछ भी हो या कभी झाड़ू लगाने में उमूमी तौर पर होता है ऐसा कि झाड़ू लगा रहे हैं सीधे पांव का, तो इस सब का शरीयत इस्लामिया से कोई उसका ताल्लुक ही नहीं है कि इसको उल्टा हो जाने से रिस्क की बरकत चली गई या घर की बरकत चली गई या आसमान की तरफ उसका रुख हो गया तो ऐसा कुछ बेअदबी हो गई या इस सब तरह के ख्यालात जो है वो बिल्कुल बातिल है और इसकी शरीयत इस्लामिया में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। तो जैसा कि आपने देखा तीनों सवाल का जवाब शेख ने दिया और बहुत अच्छे तरीके से और मिसाल भी देके बताया, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ अगर आपके पास इस तरह कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करके बताएं, हम लोग शेख से उस पर बात करेंगे। तो आप लोग जो है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।